हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है आपके चैनल में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो हमारा पाठ जो है उत्साह और अट नहीं रही, इस दोनों पोइम्स के मैं आज आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बता रही हूँ। आपको सभी को पता है कि 50% सिलेबस जो है इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है आपके पेपर का। तो पहला प्रश्न है, बादलों में क्या छिपा हुआ है? तो बादलों में वज्र छिपा हुआ है। वज्र यानी बिजली होती है। तो यहाँ पर आप देखिए, खे ऑप्शन जो है वो सही है, ये वाला। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, पत्तों से लदी डाल पर कौन से रंगों की छटा बिखरी हुई है? तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वह है हरी और लाल, यानी गे ऑप्शन यहाँ पर सही है। तीसरा प्रश्न है, उत्साह किस प्रकार का गीत है? तो उत्साह गीत जो है वह आह्वान किया गया है। आह्वान करना होता है किसी को निमंत्रित करना, तो उत्साह कविता जो है एक आह्वान गीत है। प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल से किसको शीतल करने की बात कही गई है? यहाँ पर के ऑप्शन सही है, तप्त धरा को। तप्त धरा क्या होती है? गर्म धरती जो है, गर्मी के कारण धरती गर्म हो जाती है, तो फिर बादलों से प्रार्थना की गई है कि आप बरसों और अच्छी फसल का उपजान करो। प्रश्न है, किसकी आभा नहीं अट रही है? तो यहाँ पर फाल्गुन की आभा की कवि ने बात की है, तो फाल्गुन की आभा अट नहीं रही है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, उत्साह कविता में किस दिशा से अनंत के घन आने की बात कही है? अनंत के घन जो आते हैं वो अज्ञात दिशा से आते हैं। बादल जो आ रहे हैं उनकी दिशा का पता नहीं है, तो सही ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अज्ञात होगा। आप ये नोट कर सकते हो, यहाँ देखिए, अगर आप चाहें तो इनके नोट्स बना सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। उसके बाद प्रश्न आता है, उत्साह कविता में निदाघ का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर निदाघ का जो तात्पर्य है वह है गर्मी। अट नहीं रही है, इस वाक्य का अर्थ क्या है? अट नहीं रही का मतलब होता है समाना, नहीं समाना, मतलब किसी वस्तु में कोई चीज़ समाती नहीं है, तब ये कहा जाता है कि अट नहीं रही है। मंद गंध पुष्पमाल का धारक कौन कहा गया है? तो यहाँ पर सही जवाब है फाल्गुन। ये सही जवाब है फाल्गुन, जो इसका सही जवाब आप नोट कर लीजिए। उसके बाद जो प्रश्न आता है, वज्र किसके हृदय में छुपा हुआ है? तो यहाँ पर जो वज्र है वह बादल के हृदय में छुपा हुआ है, यानी बिजली जो है बादलों में रहती है, तो इसका सही जवाब ये वाला होगा। क्या नहीं पट रही है? तो शोभाश्री जो है वो नहीं पट रही है। यहाँ पर सही जवाब है इसका, शोभाश्री जो है पट नहीं रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अट नहीं रही वाक्य का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ होता है न समाना, ये सही जवाब है। यहाँ पर ये रिपीट हो गए हैं, सॉरी, मैं नेक्स्ट प्रश्न लेती हूँ। तो यहाँ पर फिर से देखिए, अट से क्या अभिप्राय है? अट से अभिप्राय है प्रविष्ट करना, यानी किसी भी चीज़ में समाना। तो यहाँ पर अट नहीं रही है यानी समाना नहीं। तो घर घर भर देते हो, इसमें क्या अलंकार है, ये प्रश्न आ रहा है। उसके बाद इसमें अगर आप देखेंगे तो घ की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर, घर घर। जब किसी की आवृत्ति होती है वर्ण की, तो उसे उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर सही जवाब जो है अनुप्रास अलंकार है। अट नहीं रही है कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? तो यहाँ आँखें जो हैं कवि की वह हटाने पर भी नहीं हट रही हैं। प्राकृतिक सुंदरता को देख करके आँखें वहीं पर रुक जाती हैं, हट नहीं रही हैं। पर कर देते हो, इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। अट नहीं रही है कविता में पाट पाट पर क्या बिखरी हुई है? तो पाट पाट पर यहाँ शोभाश्री बिखरी हुई है, ये जवाब सही है। उसके बाद प्रश्न आता है, कवि ने अट नहीं रही कविता में किस महीने की मादकता या आभा का वर्णन किया है? तो आपको पता भी है फाल्गुन मास की आभा का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। कवि के प्रिय किसे अपनी स्वास्थ्य से सुगंधित कर रहे हैं? तो यहाँ प्रकृति को कवि का प्रिय जो है वह अपनी सांसों से सुगंधित कर रहा है,
यह कवि की कल्पना जो है उसके बारे में बात की गई है। प्रश्न है, कवि के मन को क्या प्रदान किया गया है? यहाँ कवि के मन को पंख प्रदान किए हैं, ये वाला ऑप्शन जो है सही है। कहाँ शोभा और सौंदर्य भरा हुआ है? तो वन में, वन में शोभा है। नई कोपलों में क्या छाया हुआ है? नई कोपल जो होती है लाल रंग की होती है, तो लाली छाई हुई है। उसके बाद प्रश्न आता है, विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ सकल का क्या अर्थ है? तो सकल का अर्थ यहाँ पर है सब, ये जवाब सही है। बाल कल्पना कैसे पाले, यहाँ पर बाल कल्पना कैसे पाले में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ उसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है, क्योंकि यहाँ से वर्ड जो है इसकी यहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो इसलिए उपमा अलंकार है। अट नहीं रही है कविता किसकी रचना है? तो यह कविता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। यह कबीरदास जी की रचना भी नहीं है, तुलसीदास की भी नहीं है, महादेवी वर्मा की भी नहीं है, इनकी नहीं है, लेकिन किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। उसके बाद प्रश्न आता है कि बादलों के हृदय में किस प्रकार की शोभा छिपी हुई है? तो बिजली की शोभा उसमें छिपी हुई है। कवि बादलों से बरसकर धरती को क्या प्रदान करने को कहता है? तो शीतलता प्रदान करने को कहता है। विश्व के निदाग के सकल जन, यहाँ निदाग का क्या अर्थ है? गर्मी, निदाग यानी गर्मी है। और उत्साह कविता हिंदी साहित्य की कौन सी काव्य धारा से संबंधित है? तो छायावाद से यह संबंधित है। प्रश्न आता है, बादलों का स्वरूप किसके समान है? तो सुंदर काले घुंघराले बालों जैसा है। बादल कैसे दिखाई दे रहे हैं? जिस प्रकार से सुंदर काले घुंघर वाले बाल जो होते हैं उनसे इसकी तुलना की गई है बादलों की। प्रश्न आता है, उत्साह कविता में अज्ञात दिशा से किसके आने की बात की गई है? तो यहाँ पर अनंत यानी आकाश और घन यानी बादल, तो अज्ञात दिशा से जो बादल आते हैं उनकी बात की गई है, तो खै ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आता है कि उत्साह कविता किसकी रचना है? आपको पता ही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। प्रश्न आता है कि उत्साह कविता में कवि ने किसके लिए संबोधन किया है? तो यहाँ पर बादलों को संबोधित किया है, बादलों का आह्वान किया है, बादल सही जवाब है। कवि बादलों से क्या संदेश देता है, क्या संदेश कहता है वो? नया जीवन देने के लिए उन्हें कहता है। इसके बाद जो है, आप अगर कोई भी चैप्टर जिसके आपको प्रश्न उत्तर समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं वही आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगी। और अगर आपके पास इसकी बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के एक फ़ाइल बना लीजिए हिंदी की, जिसमें आपके ये सारे नोट्स जो हैं सेव रहेंगे, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। और अगर आप लिख करके नोट्स बनाते हैं तो और भी अच्छा है, फिर भी आप वैसे भी नोट्स बना सकते हो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। साथ ही मुझे बताते रहना कि कौन से आपको MCQ और पढ़ने, क्या आप साइंस के MCQ पढ़ना पसंद करेंगे हिंदी में, हिंदी माध्यम से, या फिर इंग्लिश मीडियम से हिंदी करके हम उसका पढ़ा सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। चैनल आपका ही है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए बनाया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।